मैं आभारी हूँ मसरत कार जी का। पिछले साल से और अब तक मुझे लगता है कि इन्होंने मुझसे अनेक बार ये बात कही कि सोपोर आप क्यों नहीं आ रहे। किन्हीं परिस्थितियों में गत वर्ष मैं नहीं आ सका, देर हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए ही मैं कह सकता हूँ। मैं आपके बीच उपस्थित हूँ आज सोपोर की आवाम की खिदमत में। इंतिसाब किए गए सभी प्रोजेक्ट्स की आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। जिन प्रोजेक्ट्स की संगे बुनियाद रखी गई है उन्हें समय से पूरा करना ये प्रशासन की हमारी प्राथमिकता है, और आवाम के मानिंद लोगों को मैं भरोसा देना चाहता हूँ कि आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारा प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मसरतकार जी ने बताया अभी सोपोर के इतिहास को, मैं भी जानता हूँ सोपोर या सुयापुर का इतिहास जितना समृद्ध रहा है आधुनिक काल में उसकी चुनौतियाँ उससे ज़्यादा गहरी हैं। कश्मीर का एप्पल टाउन कहा जाने वाला सोपोर कभी सहज और सादगीपूर्ण जीवन के लिए मशहूर सोपोर ने तारीख में बहुत सारी जिल्लतें और परेशानियां भी झेली। यहाँ का हर एक बुजुर्ग 1200 साल पुराने अपने राजा अवंती वर्मन को याद करता है और उनके इरिगेशन मिनिस्टर सूर्या को याद करता है, जिसका जिक्र भी मसरतकार जी ने किया। और याद इसलिए नहीं आती क्योंकि हमें इतिहास में जीने की आदत है, बल्कि याद इसलिए आती है कि उन्होंने न सिर्फ सोपोर को बसाया बल्कि इस इलाके को विकसित करने के लिए जो आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से क्या इंतजाम करने चाहिए थे ताकि बाकी इलाकों से इलाका ज़्यादा विकसित हो सके, उस काम को भी बखूबी अंजाम दिया। कभी सोपोर को मिनी लंदन भी कहा जाता था। वो नाम इसलिए नहीं पड़ा था क्योंकि इसका मात्र भौगोलिक स्वरूप अलग था, बल्कि मिनी लंदन इसलिए बुलाते थे क्योंकि हर घर में धन संपदा थी, सुख शांति थी, समृद्धि थी, और आम जनजीवन सोपोर के लोगों का घाटी के अन्य शहरों से बेहतर था। नई पीढ़ी को शायद जानकर आश्चर्य होगा कि डाक बंगले से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव है नौपुरा, जहां 1970 के ज़माने में सिर्फ 40 घर ऐसे थे जिनके पास एप्पल आर्चर्ड था, और वह 40 घर साल में 12 लाख रुपए का एप्पल एक्सपोर्ट करते थे। ये बात मैं 1970 की बता रहा हूँ। उस जमाने में नौपुरा का कोई घर ऐसा नहीं था जिसके पास कम से कम एक और कई लोगों के पास दो दो गाड़ियाँ हुआ करती थी। और इसलिए जब 1971 का सेंसस हुआ तब भारत सरकार ने सोपोर को मॉडल शहरों के केस स्टडी के लिए भी चुना था, सेलेक्ट किया था। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी होने के बावजूद लगभग लंबे समय तक, मैं कहूँ 4 दशक तक, सोपोर को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ के एक सोशल एक्टिविस्ट का बयान अखबार में पढ़ा और उन्होंने कहा था कि सोपोर शहर को बदलना है। मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूँ और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सोपोर को उसकी पुरानी समृद्धि मिले, इस शहर को अपना सांस्कृतिक चेहरा मिले, इसके लिए हर प्रयास भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब करेंगे। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन को हर एक नागरिक का साथ और सहयोग भी मिले ताकि हम मिलकर सोपोर को देश के सबसे सुंदर और सबसे मॉडर्न शहर के रूप में विकसित कर सकें। कई बार हम सोचते हैं कि बदलाव सरकार लाएगी, इस सोच को भी मुझे लगता है कि बदलने की ज़रूरत है। सरकार संसाधन ला सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है, लेकिन शहर में जीवन पैदा करने के लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती, आप ही कर सकते हैं, जन भागीदारी से ही हो सकता है। मुझे मसरत जी ने बताया था कि यहाँ की सांस्कृतिक विरासत और कश्मीरी माइग्रेंट के घरों को डंपिंग ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया है। आसपास
के लोगों को समझाने की भी कोशिश हुई है। प्रशासनिक तौर पर उन्हें नोटिस भी दिया गया है। अब ये तो आदत का सवाल है। अगर हम अपने शहर को सबसे सुंदर बनाना चाहते हैं, 1970 के पहले का सोपोर देखना चाहते हैं, तो हमें खुद भी बदलना होगा। अब भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी के घर में, हमारे घर में नहीं, तो कैसे देश आजाद होगा? ये तो हम सबको सोचना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इसके कारण आपकी जो छवि है, सहज सजग प्रबुद्ध नागरिक, उस छवि को धक्का लगता है। और अगर हम अपनी आदत में बदलाव लाएंगे तो सड़कों पर विदेशी मार्बल लगाने का कोई मतलब नहीं होगा अगर आदत हम नहीं बदलेंगे। शहर सुंदर तभी होगा जब यहाँ का नागरिक आग्रही होगा कि नहीं, स्वच्छता में हम भाग लेंगे। और अपनी विरासत को गंदा करना तो सबसे बड़ा पाप है। मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा जुर्म है। अनेक सदियों से इस सोपोर ने हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा नज़ारा देखा है जो शायद देश के दूसरे हिस्से में भी नहीं था। शायर कश्मीर गुलाम अहमद मजूर कहा करते थे कि अगर मुसलमान दूध है तो हिंदू चीनी है। सदियों से हमारी भावना रही है और इसलिए सबकी प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, आवाम का धर्म होना चाहिए। हमें ये भी सोचना होगा कि हम सब मतलब आप भी प्रशासन के हिस्सेदार हैं और हर एक नागरिक को आगे बढ़ करके, प्रशासन को इसलिए नहीं है कि आपकी मर्जी के विपरीत काम करें, आपको जो अच्छा लगता है जरूर बताइए। अभी मेहता जी आपको बता रहे थे कि नियत में और नीति में कोई खोट हमारे नहीं है। हम चाहते हैं कि व्यवस्था बदले, लेकिन अगर नागरिक आगे नहीं आएंगे तो जैसी भी व्यवस्था बना दी जाए बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आइए मिल करके एक साथ कंधे से कंधा मिला करके सोपोर को बदलने का संकल्प आज यहाँ हम सब लें। हम मिलकर सभी संसाधनों की रक्षा करेंगे, संकल्प तो आपको करना होगा। हम मिलकर के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को संरक्षित रखेंगे, ये तो यहाँ के लोगों को संकल्प करना होगा। और मैं समझता हूँ तभी हम सोपोर के मौलिक स्वरूप, जो ओरिजिनल फॉर्म था सोपोर का, वापस ला सकते हैं। अभी इतनी शेर पड़ी गई कि मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, डीसी साहब से लेके म्यूनिसिपल कमेटी की चेयरमैन साहिबा ने, डीडीसी चेयरपर्सन साहिबा ने, सबने शेर पढ़ा, तो मैं भी शुरू करता हूँ। जिंदगी क्या हुए जो अपने जमाने वाले, जिंदगी क्या हुए वो अपने जमाने वाले, याद आते हैं बहुत दिल को दुखाने वाले। अजनबी बन के न मिल, अजनबी बन के न मिल, उम्रे गुरेजा हमसे थे हम भी कभी तेरे नाज उठाने वाले, थे हम भी कभी तेरे नाज उठाने वाले। आ कि मैं देख लूँ खोया हुआ चेहरा अपना, आ कि मैं देख लूँ खोया हुआ चेहरा अपना, मुझसे छुपकर मेरी तस्वीर बनाने वाले। आइए आज इस अवसर पर पूरे आत्मविश्वास से हम सब संकल्प लें, जम्मू कश्मीर प्रशासन यहाँ उपस्थित और जो भाई बहन उपस्थित नहीं है, सब मिलकर के सोपोर की नई तस्वीर बनाएंगे। हमारा एक एक कदम आवाम की भलाई के लिए उठेगा ताकि तरक्की हमारी सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार बने, उसकी आत्मा, उसकी आवाम की रूह बने। आज जिस म्यूनिसिपल काउंसिल की बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है, उसका आम जनता को वर्षों से इंतजार था। 21-22 में निर्माण शुरू हुआ, लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से समय सीमा के भीतर काम पूरा हो गया। आज मैं खुद देख करके आया हूँ फिनिशिंग का काम, हमको लगता है 10-15 दिन में पूरा हो जाएगा। चेयरमैन साहिबा वहीं बैठेंगी। अब ये बात क्या हम सोच सकते थे कि 21-22 के काम का लोकार्पण उद्घाटन आज हो सकता है? मैं आने के पहले कल देख रहा था, 10 साल पहले 12 साल पहले जो प्रोजेक्ट पूरे हुए, यहाँ एक स्कीम ही शुरू की गई जम्मू कश्मीर में, लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट्स। मैं बाहर से आया था, पहली बार सुना कि लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट, ये कौन योजना है? तो मुझे बताया गया कि 15 साल 20 साल पहले प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गई,
उसकी कोई उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं था, उसके लिए कोई फाइनेंस का इंतज़ाम नहीं था। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जा करके ईंट पत्थर रख करके आधारशिला रख दी गई। लोगों के दिमाग में बैठ गया ये प्रोजेक्ट तो शुरू हुई है 2015 से, लोग सवाल करते थे 15 में हमारे यहाँ शुरू हुआ, अभी तक बना नहीं। तो एक नई योजना यहाँ शुरू हुई और अनेक प्रोजेक्ट 15 साल 20 साल की उसमें पूरी करनी पड़ी है। 21-22 में ही म्यूनिसिपल काउंसिल ने FC ग्रांट के तहत चिंकीपुरा के पार्क की संगे बुनियाद रखी और आज उसका भी उद्घाटन हुआ। लगभग बताया गया मुझे कि 15,000 की आबादी को फ़ायदा होगा। महाराजपुरा के पब्लिक पार्क का काम भी आपको समर्पित कर दिया गया है। इसका निर्माण म्यूनिसिपल काउंसिल ने माई टाउन माई प्राइड का कार्यक्रम, जो हम लोगों ने बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड शुरू किया था, उसके तहत पिछले वर्ष शुरू हुआ, वो भी पूरा हो गया। मैं यहाँ की म्यूनिसिपल काउंसिल की चेयरमैन साहिबा, यहाँ के सभी काउंसिलर्स और जो लोग भी म्यूनिसिपल काउंसिल से जुड़े हैं, मैं सबको इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अब इन कामों से क्वालिटी ऑफ लिविंग में लोगों के बदलाव आएगा। 17-18 के वित्तीय वर्ष में वोलित्रा सीतलू रोड के अपग्रेडेशन का शिलान्यास हुआ था। काफ़ी समय से वो परियोजना रुकी हुई थी, कई बार मुझे उसके लिए ज्ञापन भी मिले, अब जाकर के वो भी पूरा हो गया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सशक्त और सक्षम बनाने में कनेक्टिविटी का ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होगा। साथियों, आज अनेक प्रोजेक्ट्स की संगे बुनियाद भी रखी गई है, जिसमें 6.29 करोड़ रुपए की लागत से सुल्तानपुर गोसबाग इनर लिंक रोड प्रोजेक्ट शामिल है। 57 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन की परिहासपुर योजना की भी संगे बुनियाद रखी गई है, जो 34 गांवों के 75,000 से ज़्यादा नागरिकों को पोर्टेबल वाटर, स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराएगी। पिछले वर्ष इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, लेकिन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन पुरातत्व विभाग के ऑब्जेक्शन के बाद इसका काम रोकना पड़ा था। सभी मुद्दों को सुलझा करके फिर से काम शुरू किया गया है और मुझे उम्मीद है ये परियोजना भी, ये प्रोजेक्ट भी समय सीमा के भीतर पूरी होगी, ताकि 75,000 से ज़्यादा लोगों को स्वच्छ पीने का पानी मिल सके। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ कि 3 वर्षों में लोगों को साफ पीने का पानी पहुंचाने का जो काम किया गया है, अनेक वर्षों में नहीं हो पाया था। अगर आप पूरे जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो जल जीवन मिशन को जन भागीदारी के माध्यम से जन आंदोलन बनाने की कोशिश हुई है। आज पूरे जम्मू कश्मीर में कुल 6,379 पंचायत पानी समितियां गठित कर दी गई हैं और अधिकांश इसमें सक्रिय हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। वर्तमान में उनके सहयोग से जल जीवन मिशन के 4,000 से अधिक प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि यह जन भागीदारी का ही परिणाम है कि जम्मू कश्मीर के 66% घरों को टैप वाटर कनेक्शन से जोड़ दिया गया है। अभी ये पढ़ने में मुझे 1 मिनट लगा है, आपको सुनने में 1 सेकंड लगा है, लेकिन अगर आप नेशनल एवरेज से इसकी तुलना करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में 64% लोगों तक ही अभी टैप वाटर पहुंचा है। जम्मू कश्मीर उसमें भी आगे बढ़ गया 66%, और दिसंबर तक हम कोशिश करेंगे कि 70% घरों तक ये पानी पहुंच जाए, ये कोशिश जारी रहेगी। तरक्की का ये एक उदाहरण मैंने बताया। इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से देखेंगे 3 वर्षों में रोड हो, हाईवे हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, नए लघु उद्यम, हर जगह काम ही काम दिखाई पड़ रहा है। आप सब इस बात को जानते हैं कि सामान्य रूप से अब जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, दफ्तर में बैठ करके नहीं बन रही, जनता उसमें किस तरह भागीदार हो सकती है, जनता का फीडबैक क्या है, इसका बराबर ध्यान रखा जा रहा है और इसके कारण योजनाएं सफल हो रही हैं। रैपिड असेसमेंट सिस्टम जो प्रशासन सर्विसेज दे रहा है, उस पर जनता अपनी खुल के राय दे सकती है कि अस्पताल में गंदगी है, डॉक्टर समय से नहीं आता है, स्कूल में टीचर समय से नहीं आता है, तो ये व्यवस्था
मैं समझता हूँ कि इसीलिए बनाई गई है कि जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिले। आप सबसे जनप्रतिनिधियों के डेलीगेशन से भी बातचीत करके कैसे रिफाइन किया जा सकता है, और ये कोशिश हुई है कि जम्मू कश्मीर के भाई बहन नौजवान किसान के जीवन में एक नई सुबह आ सके। इस बात पर बराबर बल दिया गया है कि समय सीमा के भीतर योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाए, और उसका सीधा मकसद, साफ मकसद यही था कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के सभी घरों तक सुख और समृद्धि पहुंचे। तरक्की, मैं समझता हूँ ये राजनीति का विषय नहीं, तरक्की एक धर्म है, और मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को राजनीति नहीं करनी है, तरक्की को हम अपना धर्म मानते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए मैं और मेरा प्रशासन काम कर रहा है। और अब हम सबकी एक सोच है, सदिच्छा है कि जम्मू कश्मीर के 1,30,35,40 जितने भी 1,40,00,000 लोग हैं, उनके जीवन में कैसे बदलाव लाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात पर बल देते हैं कि समावेशी विकास हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, और सबका ख्याल रखा जाए, खासतौर से समाज में जो गरीब आदमी है, समाज में किन्हीं कारणों से जो पीछे रह गया है, उनका प्रशासन को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। लंबे समय तक भेदभाव झेला है, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ, वो भेदभाव हम समाप्त करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं यहाँ के लोग भी नए ख्वाब कमिटमेंट के साथ देख सकें, इसकी हर कोशिश पिछले 3 वर्षों में ज़मीन पर की गई है। और आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि आप लोगों के जीवन स्तर में सुधार, जम्मू कश्मीर के कायाकल्प, और बिना किसी भेदभाव, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर व्यक्ति, हर परिवार को उसका हक मिले, जम्मू कश्मीर के वर्तमान प्रशासन का एकमेव लक्ष्य यही है। बताया मेहता जी ने कि 92,550 से ज़्यादा प्रोजेक्ट इस वर्ष पूरे हुए हैं, लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रोड, हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज चल रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज की चर्चा हो गई, इसके कारण सामान्य आदमी का जीवन कितना बदला है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कितनी तेजी आई, और मुझे खुशी है और आपको भी प्रसन्नता होगी कि आज ऑनलाइन सेवाओं के मामले में जम्मू कश्मीर देश का नंबर एक अग्रणी राज्य और यूटी बन गया। नागरिकों को के हेल्थ की चिंता, हर परिवार को 5,00,000 रुपए का हेल्थ कवर दिया गया है। ये अकेला राज्य है जम्मू कश्मीर जहाँ प्रधानमंत्री जी ने ये व्यवस्था की है, तो इसका अर्थ मैं समझता हूँ कि आपको ये मानना चाहिए आप कि प्रशासन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर के भाई बहन इस बात से वाकिफ हैं कि भेदभाव यहाँ इसलिए पनपा था क्योंकि कुछ लोगों के लिए काम होता था, यहाँ एक अलग तरह का VIP कल्चर बना दिया गया था, और जिसमें कुछ लोगों ने आतंक को हथियार बनाकर आम नागरिकों का जीना भी मुहाल कर दिया था। मुझे याद है 2021 में यही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक हमारा सदस्य और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 सिपाही हमारे बलिदान हो गए थे। और मैं कहना चाहता हूँ मित्रों, विकास और समृद्धि तभी आ सकती है जब शांति होगी। आप खुद आज विचार करिए, कैसे लोगों ने आपकी भलाई नहीं की है, आपकी आने वाली नस्लों के साथ अन्याय किया है, आपके बच्चों के साथ अन्याय किया है। मैं जानता हूँ यहाँ की अनेक पीढ़ियाँ घुट घुट करके जीती रही हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था चंद कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स ने पूरे जम्मू कश्मीर की आकांक्षाओं को हाईजैक कर लिया था अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए। उस व्यवस्था को समाप्त करने का संकल्प हम सब ने लिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें आप हमारा साथ दीजिए, इस व्यवस्था को जड़ से समाप्त करके ही हम लोग छोड़ेंगे। आतंक के इकोसिस्टम की रीढ़ तोड़ना ये हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और आवाम से केवल एक अपेक्षा है कि ऐसे तत्वों को संरक्षण आप मत दीजिए, ऐसे तत्वों को प्रश्रय मत दीजिए, बाकी काम पुलिस और फोर्स के लोग कर लेंगे, पनाह मत दीजिए जिनकी। और इसी के कारण दशकों तक जम्मू कश्मीर अभाव, मजबूरी,
और सामान्य आदमी डर के साए में जीता था, चाहे सोपोर हो या सांभा हो, सब जगह एक समान व्यवस्था चले। जम्मू कश्मीर का हर एक जिला, हर एक शहर, हर एक गांव प्रशासन की नज़र में, उसके कार्यों में सब VIP हैं, कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। आज अगर पूरी कश्मीर घाटी के मेरे भाई बहन मर्जी से जी रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि तरक्की की आकांक्षा ने गरीब के घर में जन्म लेना शुरू कर दिया है और आवाम ने एक स्वर से कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स के खिलाफ आवाज़ उठाने का मन बना लिया है। इस व्यवस्था को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में आपका सहयोग चाहिए। और जो बात मेहता जी कह रहे थे कि 2047 तक जब भारत अपनी आज़ादी का 100वां सालगिरह मनाएगा तब जम्मू कश्मीर का योगदान देश के किसी राज्य से भारत को विकसित बनाने में कम न रहे, ऐसा जम्मू कश्मीर आप हम सब मिल करके बना सकते हैं, ताकि आने वाली नस्लों के लिए हम ऐसा वातावरण छोड़ के जाएं, ऐसा माहौल छोड़ के जाएं जिसमें उन नए सपने पाल सकें और उसे पूरा होते हुए देख सकें। वही चर्चा हुई है, DDC चेयरपर्सन साहिबा ने कहा है इनलैंड कंटेनर डिपो ICD रेल लाइन आएगी तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इनलैंड कंटेनर डिपो बने, इसकी हर कोशिश की जाएगी। एक सांबा में इनलैंड कंटेनर डिपो बन रहा है, रेल लाइन जब आएगी तो निश्चित रूप से, अब उस समय कब मुझे लगता है कि अगले साल तक जब आ जाएगी तो निश्चित रूप से इसका प्रयास किया जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर के लोग आएं और इससे आपका सोपोर का जो सेव है वो केवल हिंदुस्तान में नहीं दुबई और अरब तक पहुंच जाए, ये व्यवस्था कराने की हर कोशिश की जाएगी। एक जो प्रोजेक्ट डीप ड्रेनेज का है, मैं समझता हूँ वो सोपोर की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बाकी तो राजनीति में हम लोग भी कुछ कहते थे, 8 मांगते हैं तो 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, तो ये डीप ड्रेनेज प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि ये सोपोर की आवश्यकता है। और आज हम आपको कहना चाहते हैं कि इसे हम निश्चित रूप से इस वित्तीय वर्ष में, आने वाले वित्तीय वर्ष में स्वीकृति दिला करके, जो 18 करोड़ की प्रोजेक्ट है आपकी, इसे पूरा किया जाएगा। बाकी मिनी सेक्रेटेरिएट ये सब छोटी छोटी बातें तो आप खुद और जिला खुद मिल करके बना सकता है। उसके लिए अब हाथी पर खाद, मैंने समझते हैं आप लोग ना फर्टिलाइजर, तो हाथी खाद लाने के लिए नहीं, उसके लिए खच्चर है। तो मुझे लगता है ये इंडोर स्टेडियम में कोई दिक्कत होगी तो हम लोग स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को कहेंगे, वो उसके लिए फंड उपलब्ध कराएंगे। आपकी मंडी का रिनोवेशन का काम चल रहा है, 2 सड़कों का जिक्र आपने किया है, ब्रिज का, अभी JKPC से वो PWD को ट्रांसफ़र हो रहा है। मैंने कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी RNB सरेन कुमार से बात की थी, उन्होंने कहा कि साहब जैसे फॉर्मेलिटी पूरी होती है प्राथमिकता के आधार पर इस काम को हम लोग आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने की बात कही जा रही है, डिस्ट्रिक्ट से ही आप समझ लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में कई हॉस्पिटल होता है, लेकिन यहाँ का जो हॉस्पिटल है वो 200 बेड का है। बड़गांव में अब तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं था, आज हम लोग उसकी स्वीकृति प्रदान करने जा रहे हैं प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में, वो 125 बेड का है। कई ऐसे जिले, 5 ऐसे जिले हैं जिनमें बेड्स की संख्या सोपोर के अस्पताल से कम है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की सुविधा की अगर मैं बात करूं, मैं विवरण, मेरे पास आंकड़े हैं, तो कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ज़्यादा सुविधाएं सोपोर के अस्पताल में है। 20 किलोमीटर की दूरी पर 2 मेडिकल कॉलेज, बारामूला भी 20 किलोमीटर की दूरी पर और हंदवाड़ा भी। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को भी अपनी मांग रखते समय, क्योंकि ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बहुत ज़रूरी है, जैसे ये ड्रेनेज, मैं समझता हूँ ये तकलीफ़ है यहाँ की और इसको ज़रूर हम करेंगे। नए बस अड्डे का जहाँ तक सवाल है, यहाँ के लोग तय करें, प्रशासन को दिक्कत नहीं है, यहाँ के लोग एक मन बनावें फिर प्रशासन उसमें ज़रूर निर्णय करेगा। और जब तक आप नहीं, बस अड्डा आपके लिए बने और पता चला आप ही विरोध करने लगे तो ऐसा बस अड्डा बना के गाली खाने से क्या फ़ायदा है। तो यह आप सबसे, मैं कहता हूँ कि आप लोग एक कॉन्सेंसस बनाइए फिर बताइए, उसको ज़रूर हम आगे करेंगे। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर और 60 किलोमीटर दूर है बडगांव। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि श्रीनगर को स्मार्ट सिटी के तहत भारत सरकार ने काफ़ी पैसा दिया, वो झलम का रिवर फ्रंट हो, पोलो व्यू मार्केट हो या और भी जो मार्केट बनी है। बडगांव
को कोई पैसा नहीं मिला। अभी कुछ दिनों पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ख्याल है 20 दिन हुआ होगा। बड़गांव के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि और बड़गांव का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम भी थे, मेहता जी भी थे, उन्होंने संकल्प लिया कि हम अपने संसाधनों से श्रीनगर में जो स्मार्ट सिटी बनी है उससे बेहतर स्मार्ट बड़गांव बना करके दम लेंगे। मैं समझता हूँ ये संकल्प अगर यहाँ के लोग भी लेंगे तो मुझे लगता है फंड समस्या नहीं होती है, जब आपस में स्वस्थ प्रतियोगिता, स्वस्थ कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन जब शुरू होता है। भाई हमारे बगल वाला शहर अच्छा है, हमें भी उससे अच्छा शहर बनाना है। और ये 7-8 प्रोजेक्ट क्या, आप लोग मन बनाइए, अब झेलम की सफाई में तो कुछ मेहनत करनी नहीं है, मुझे लगता है कल से हम सब लोग शुरू कर सकते हैं। आप तारीख तय करिए, हम लोग भी आ जाएंगे। अगर यहाँ के लोग तय करें, एक काम करिए, झेलम आपके बगल में इसको साफ कर दीजिए, तो मैं आपको कह रहा हूँ 7-8 नहीं 20 प्रोजेक्ट आपकी सैंक्शन कर दी जाएगी। लेकिन कुछ हम भी तो करें, हम केवल ये उम्मीद लगावें कि सब काम सरकार करती रहे, प्रशासन करती रहे। और इसमें मुझे लगता है कि कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं, हम सब लोग संकल्प लेंगे तो इस काम को कर सकते हैं। जिस भी अभियान को आप आगे बढ़ाएंगे उसमें प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ रहेगा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि झेलम के किनारे गार्बेज का काफ़ी है, किनारे भी गंदे, उनको भी सफाई किया जा सकता है। और ये काम आप करिए तो फंड का इंतजाम हम कर देंगे, फिर रिवर फ्रंट आप भी मजा लीजिए, यहाँ के लोग भी मजा लें। मुझे लगता है कि हमें सोचना होगा कि संविधान अधिकारों के साथ साथ नागरिकों को कर्तव्य की अनुशंसा भी बताता है, और इसलिए हमें उन अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। झेलम रिवर फ्रंट की घटना आपको बता रहा हूँ जो श्रीनगर में बना है, वहाँ साइकिल रखी हुई है, साइकिल चोरी नहीं हो सकती क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन लोग ले रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ लोग हैं जो रातों रात उस साइकिल को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या इस तरह के काम से हम बेहतर सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम स्मार्ट बना देंगे, लेकिन अगर सिटीजन स्मार्ट नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह की सोच समाज में बदले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मसरत जी को तथा यहाँ के सभी भाई बहनों को मैं भरोसा देता हूँ कि आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, सुइया के सपनों के सोपोर को विकसित बनाने के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन 8 नहीं 20 प्रोजेक्ट स्वीकृत करेगा। लेकिन एक अनुरोध है कि इस स्मार्ट सोपोर के अभियान के तहत आप खुद आगे बढ़िए, खुद को शामिल करिए, संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन बिना जन भागीदारी के अच्छा सोपोर नहीं बन सकता है। मुझे यकीन है कि जन भागीदारी से सोपोर में तरक्की का एक नया जन आंदोलन शुरू होगा, हमारे संकल्पों को हकीकत में बदलेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं सोपोर के किसान भाइयों और नौजवानों तथा यहाँ की महिलाओं से एक अनुरोध करना चाहूँगा, आप समाज की नींव हैं और आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डेडिकेटेड तरीके से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अनेक योजनाएं तैयार की गई। मेरा अनुरोध होगा इसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ये सुनिश्चित करें कि हर एक परिवार इस योजना में शामिल हो। आज की सभी परियोजनाओं की मैं एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूँ, और फिर 4 पंक्तियाँ कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा, वही हो इल्म भी वो भी सुखन तो बात बने, वही हो इल्म भी वही सुखन तो बात बने, गजल का भी वही हो पैरहन तो बात बने, मैं तेरे ख्वाब को पहने हुए हूँ आँखों में, मैं तेरे ख्वाब को पहने हुए हूँ आँखों में, तू मेरी आँख में नींदे पहन तो बात बने, तू मेरी आँख में नींदे पहन तो बात करे। आइए मिलकर प्रशासन और आम नागरिक सोपोर के लिए समर्पित भाव से काम करें। एक सज्जन ने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र उठाया था, मेहता जी ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया है। अब हम भी चाहेंगे तो किसी को जिसका नाम सूची में नहीं है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का घर नहीं दे सकते, व्यवस्था ऐसी बना दी गई। इसलिए मुझे लगता है कि इस बात को मैं बहुत जोर दे के कह रहा हूँ कि मैं भी अगर चाहूँगा तो सूची के बाहर किसी व्यक्ति का नाम उसमें इंक्लूड नहीं हो सकता, इसलिए
अब वो व्यवस्था समाप्त हो गई। इंडस्ट्री के एक साथी कार्यक्रम के बाद मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हम लोग वहाँ चाय पीने के लिए रुकेंगे, आप जरूर आइए। और भी किसी को अगर कुछ कहना हो तो हम लोग आधा घंटा है इंतज़ार करेंगे, आप आइए, आपकी हर बात का स्वागत और जो भी संभव होगा वह जरूर किया जाएगा। लेकिन एक अनुरोध मेरा है कि सोपोर की जो ख्याति रही है, इतिहास में सोपोर को जिस तरह से जाना जाता था, कि आज हम ये संकल्प ले सकते हैं कि वैसा सोपोर हम सब मिल करके बनाएंगे, तो अगर आप लोग तैयार हैं तो पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन आपके साथ है और हर काम आपको प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।